भाई साहब पॉलिटिक्स इतने गंदे चरण पर पहुंच जाएगी ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए आपको किसी की बायोपिक का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है तो उन ऐसे अनसंग वॉरियर का भी नाम हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए जितना कि हमें गांधी जी के बारे में पता है, लाजपत राय के बारे में पता है, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वैसे ही और ऐसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए जिनका मकसद भी वही था जिन जैसा मकसद इन वॉरियर्स का था। लाइक वीर सावरकर जी, जिनके बारे में पता होना चाहिए, भले इनके तौर तरीके अलग हो लेकिन मकसद एक ही था, अंग्रेजों से आज़ादी, अखंड भारत, जिनके बारे में हिस्ट्री में शायद तुमने कभी कहीं और कुछ देखा भी नहीं होगा और इतना कुछ है भी नहीं। इस स्वतंत्रता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, चाहे कोई भी ऐसे वॉरियर्स हों जिनका छोटा हिस्सा ही पार्ट क्यों ना हो, लेकिन वीर सावरकर जी का भी बहुत बड़ा हाथ था उस स्वतंत्रता की आग में अपना बहुत बड़ा योगदान देने का। तो भाई साहब मूवी आ चुकी है, रणदीप हुड्डा मेन स्टारर में यानी मेन लीड पर आपको रणदीप हुड्डा देखने को मिलेंगे, और ये नाम ही काफी है जहां पर एक्टिंग के अगर फील्ड में कहीं भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि क्या मिलेगा वहां, तो ये नाम ही काफी है कि भाई एक्टिंग के इस मामले में, डायलॉग डिलीवरी के मामले में और स्टोरी के मामले में तो ये मूवी दमदार हो गई होगी। तो मूवी रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली, जहां कोशिश करूंगा कि स्पॉइल यहां से कुछ भी ना हो, क्योंकि भाई जरूरी है आपको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में इतिहास में ऐसा कुछ है नहीं और इनकी लाइफ में वो जो कैसे गुजर के आए हैं वो जरूरी भी है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे मैं अक्सर कहता हूं ऐसी अगर हिस्टोरिकल बेस पर कोई मूवी आती है तो इस पर डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि इसके साथ मैनिपुलेशन हो जाए, और जहां पॉलिटिक्स घुसती है तो भाई साहब एक बार के लिए ट्रस्ट करना उतना ज्यादा 100% सियोरिटी वाला वो फिलहाल उतना जम नहीं रहा है। और फिलहाल आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके हिसाब से कि भाई तुम क्या दिखा रहे हो, क्या ये वाकई में उतना ही सच है जितना ये हुआ था, अलग डिबेट है ये, फिलहाल इस पर कोई ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहूँगा। बाकी अगर कंटेंट बेस के हिसाब से देखो, एज बायोपिक के हिसाब से देखो तो मूवी बहुत दमदार है। रणदीप हुड्डा ने नेल्ड इट यार, ही नेल्ड इट, जब भी वो आया है जो भी स्क्रीन प्ले जितना भी रहे हैं दमदार किया है मेन लीड पर, और वीर सावरकर जी मतलब उस हिसाब के हो सकते हैं एक छलक छोड़ के गए हैं कि उस टाइम पर जो फ्रीडम फाइटर था और जो आग उस टाइम पर होनी चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रख दिया था लोगों को, तो उससे लड़ने के लिए भाई साहब उतनी ही गर्ज अंदर होनी चाहिए, वो फील करा के गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे रणदीप हुड्डा के, एक लीडर कैसा होना चाहिए और क्रांति के लिए कैसे बयानबाजी करनी चाहिए, कैसे डायलॉग्स निकालने चाहिए, ये सारी चीज़ें भाई बहुत गूज़बम्प्स देखे गए हैं एक बार के लिए। दर उसके बाद अगर सेकंड हाफ में काला पानी की सजा जब वीर सावरकर जी को होती है तो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था भाई, इतना कोई नहीं कर पाएगा जितना रणदीप हुड्डा ने अपने आप को निचोड़ा है, बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ के उभार के लेके आए हैं। हिस्ट्री में ऐसा डीप डाइव भैया आपको करवाएंगे कि आपका एक बार ना थोड़ा सा दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ हिस्ट्री में हुई है जिसे हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो यहाँ आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। दैट्स वाई कि वो समटाइम कनेक्ट नहीं करेगा और कई बार ऊपर ऊपर से निकल के जाएगा। फिलहाल पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो भाई थोड़ा सा डर्टी गेम तो घुसाने की कोशिश करी है इस पे, यानी एक ही पार्टी को इतना ज़्यादा टारगेट करके उसे नेस्तनबूत किया जा रहा है, साथ में सिर्फ उसी को नहीं गांधी जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, एज ट्रेटर दिखाने की कोशिश करी है, यानी उनको कुछ पड़ी ही नहीं थी, उन्हें बस अपने अपने से मतलब था, इस हिसाब का एंगल दिखाने की कोशिश करी है। बाकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखें और एक इंस्पिरेशन मतलब वहाँ से क्या मिल सकता है, एक लीडर किस हिसाब का लीडर है, उस लीडर से हम क्या सीखते हैं, तो वीर सावरकर जी जिस हिसाब से मेंटेन करके रखा था, लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है एज लीडर, वो डायलॉग बाजी में रणदीप हुड्डा ने भाई डायलॉग्स निकले हैं और दमदार डायलॉग निकले हैं। मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसा लगेगा कि थोड़ा बोरियत चल रही है। ओपनहाइमर अगर आपने मूवी देखी है तो कनेक्ट कर जाना, थोड़ा सा नींद आएगी, बोरियत होगी, वही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जब सेकंड हाफ में आप पहुंचोगे, जब काला पानी की सजा हो जाती है वीर सावरकर जी को, तो वहाँ जो अलग जिंदगी उनकी देखने को मिलेगी आपको, भाई पता लगेगा कि इतने आसानी से किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम आज तक अमर नहीं है, इसके पीछे उनकी ज़िंदगी पूरी उन्होंने लगाई है, खपाई है, तब जाके आज उनका नाम भी लोगों की जुबान पे रहता है। बाकी कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं भाई उन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें मजा आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, और यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।